मेरे को लगता है कि मतलब मैंने ट्राई बहुत किया, मतलब एक तरीके से कि मतलब नाइट एंड डे भी बैठना हर तरीके से, लेकिन एट द एंड मेरे को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैं सोचा कि एक और ईयर इसमें एक और बार देना, और अटेम्प्ट ट्राई तो मैं सेम ही करूँगा। उस टाइम भी हो सकता है कि 1-2 घंटे ज़्यादा बढ़ जाएँ, लेकिन आउटकम एक खुद को पता चल ही जाता है कि मेरा आउटकम कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो उस बेसिस में मैंने सोचा कि मेरे को एक रशिया जाना चाहिए। यू ऑलरेडी लॉस्ट 1 ईयर, इंस्टेड ऑफ लूजिंग अनदर 1 ईयर यू आर सेंडिंग टू रशिया। जो आजकल तो जो डिजिटल इंडिया है उसी टाइम देख लो कि क्या कर रहा है बच्चा, क्या नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। पहले जैसी बातें तो है नहीं कि जो एक लेटर लिखेंगे तो 1-2 महीने बाद आएगा तब जाके बच्चे के हाल का पता चलेगा। उतनी देर जो है पिछला लेटर दब गया फिर दोबारा याद आनी शुरू हो जाती है। लड़ाई झगड़ा भी हुआ तो उसी टाइम देख लो, पर किसी के भी सब कुछ देख लो उसी टाइम के जो ये है वे सामने है। हाय, मेरा नाम पंकज है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और मैं रशिया जा रहा हूँ अपनी MBBS के लिए, पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। माय नेम इज़ सत्यजीत किशोर जाधव, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, सातारा डिस्ट्रिक्ट, इंडिया। आई एम गोइंग फॉर माय MBBS कोर्स एट पर्म मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। माय नेम इज़ सुजन MS, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, इंडिया। आई एम गोइंग टू स्टडी इन पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया। मेरा नाम मनोहर लाल, मैं पंकज का पापा और मैं हिमाचल का रहने वाला, चंडीगढ़ में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ। मेरा नाम किशोर विजय जाधव, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग हूँ। मेरा बेटा है सत्यजीत किशोर जाधव। माय नेम इज सतीश, आई एम अ फादर ऑफ सुजन MS, आई एम बेसिकली आई एम एन इंजीनियर। मैंने इंडिया में ट्राई किया 2-3 बार, बट कुछ रीजंस थे जिसके कारण मेरा नहीं हो पाया बेसिकली। और मैं चाहता और टाइम इन्वेस्ट करूँ यहाँ पे, मतलब वेस्ट करूँ एक तरीके से, तो मैंने सोचा कि रशिया चूज़ किया मैंने एक तरीके से। इंडिया में पहले से ही भागदौड़ बहुत है MBBS के लिए, स्कोर के लिए। उसमें अभी MBBS के लिए कोर्स का ड्यूरेशन भी 6 ईयर का है, उसमें अभी ये 2 साल भी गए तो फिर वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द उधर होके सेटल होना। यू ऑलरेडी लॉस्ट 1 ईयर, इंस्टेड ऑफ लूजिंग अनदर 1 ईयर यू आर सेंडिंग टू रशिया। स्पेसिफिकली रशिया क्या, क्योंकि रशिया एक पॉपुलर है उधर MBBS के लिए, बाकी यूरोपियन कंट्री में इतना सेफ्टी नहीं होता इंडियंस के लिए। नहीं, मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट जो है बच्चे के लिए फिर थोड़ा सा और जो स्ट्रेस में ले जाने वाला हो जाता है, थर्ड में भी नहीं हो पाता है तो फोर्थ में तो फिर जो बच्चा और ज़्यादा जो, या तो फिर वही है कि या तो आउटस्टैंडिंग जो वो अपनी स्टडी करे, या फिर जो है वो क्योंकि दिन प्रतिदिन जो उसको क्या लगता है कि मैंने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, लेकिन रिजल्ट देखते हैं तो जो है इतना अच्छा नहीं आता। इफ यू डोंट गेट एनी गवर्नमेंट सीट इन इंडिया through NEET, don't worry, you will get n number of opportunity around the world, particularly in Russia. अगर आप 19 to 20 स्टडी कर रहे हो तो आप बेटर हो, इंडिया में ही करो, उतना अगर टाइम आप नहीं दे सकते तो ट्राई करो फिर बाहर। मैक्सिमम 2-3 अटेम्प्ट्स लो, उसके बाद मेरे को लगता है कि हो सकता है बहुत चांसेस हैं कि निकल भी जाओगे, लेकिन 2-3 अटेम्प्ट में आपको पता चल जाता है खुद को कि आपसे हो पाएगा कि नहीं। अगर आपको लगता है आपके मार्क्स इंक्रीजिंग में और आपके आ सकते हैं बाद में तो फिर ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा अगर नहीं हो पा रहा तो फिर टाइम वेस्ट मत करो। मैंने गूगल में ही सर, मेरी जब 12th हो गई और नीट का मैं तब पहले से ही एक डिसाइड किया था MBBS करना है, तब मैंने जस्ट ये कर रहा था, सबको मैंने कॉल किया, बट इधर रूस एजुकेशन का ज़रा मुझे अच्छा लगा प्रेफरेंस वगैरह। थ्रू रूस एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डू द MBBS, एंड रूस एजुकेशन इज हाईली कोऑपरेटिव and correct information you will get it, and then your child will dream will come to true. Itne parent the parent teacher meeting mein are bapre ye bachcha idhar ja raha hai, Spain ja raha hai, ye raha hai, lekin kisi ko kuch proper guideline nahi tha. Local wala kuch to sub agent milega, ye milega, to humne authentic jo hai Rus education ka site ya kahan se kaha hai, Pune Maharashtra se leke Delhi tak jab tak wo departure nahi hota तब तक कौन सा कॉरपोरेट ऑफिस है, कैसे गाइडलाइन है, उसमें से रूस का परफेक्ट हम दे सकते हैं रेफरेंस। पहली बार जा रहा हूँ सबसे दूर, मतलब हाँ, पर बाकी तो फिर ये उधर जाने के बाद बहुत सारे मल्टीलिंगुअल पे अपने लोगों के साथ बातचीत होगी, फ्रेंडशिप होगी, फ्रेंड्स सर्कल बढ़ेगा, और नर्वस इसलिए कि पहली बार बाहर जा रहा हूँ इसलिए।